सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो में स्वागत है। दिस इज सेकंड वीडियो ऑफ स्कैनर्स क्वेश्चंस टॉपिक प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन। वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन विच आर टेकन फ्रॉम स्कैनर। वन सच वीडियो हैज ऑलरेडी बीन मेड। तो आओ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम स्कैनर, टॉपिक है प्रमोटेशन कॉम्बिनेशन विद इजी मेथड। आपको दिया है द वैल्यू ऑफ समेशन 5CR आर इक्वल दे रखा है 1 to 5। और इस इट मींस क्या हुआ, इट मींस हुआ कि ये वैल्यू है आपके सामने 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। समीशन का मीन्स है कि हर वैल्यू के बीच में प्लस का साइन आएगा और r इक्वल 1 to 5 तक हमको हर वैल्यू लेनी है। r इधर है तो इधर 1, 2, 3, 4, 5 और इन सब का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इसका डायरेक्ट आंसर आपके सामने आ जाएगा 2 to the power n-1। ओके, और n की वैल्यू इधर कितनी है 5, देन 2 to the power 5-1 आंसर विल बी 32-1, देन आंसर इज 31 इसका आंसर होगा। और फॉर्मूला इसमें लिया है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 सो ऑन NCN की वैल्यू ऑलवेज विल बी इक्वल टू द 2 to the power n-1। ये फॉर्मूला जो है इसमें यूज में आएगा। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन इजी था आपके लिए। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है 6PR इक्वल है 24 into 6CR। तो यहां पर हम एक फॉर्मूला यूज में लेंगे। देखिए आप, फॉर्मूला होता है NPR विल बी इक्वल टू द फैक्टोरियल फैक्टोरियल R टाइम्स फ्रॉम द NCR। ओके, NPR इक्वल है फैक्टोरियल R इंटू NCR, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का कंपैरिजन हम करते हैं तो फैक्टोरियल R की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 24 और फैक्टोरियल R की वैल्यू 24 है, देन R की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 4। ओके, बिकॉज फैक्टोरियल 4 की वैल्यू होती है 4 into 3 into 2 into 1, 4 12 12 24, देन R की वैल्यू जो है 4 जो है हमारे इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा R की वैल्यू 4। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ओके ओके, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। जैसे 6PR गिवन है फैक्टोरियल R इंटू 6CR, देन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस R विल बी इक्वल टू द फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल R फैक्टोरियल 6 माइनस R। ओके, यहां पर जो है आपको वैल्यू दे रखी है 24, यहां पर वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 24, देन देखो फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला याद नहीं तो आपको NPR का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए। NPR विल बी इक्वल टू द फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r एंड NCR विल बी इक्वल टू द फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये दोनों के फॉर्मूले मैंने आपको लिख दिए। तो यहां पर देखिए फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कैंसिल, फैक्टोरियल 6 माइनस r से फैक्टोरियल 6 माइनस r कैंसिल, 1 इक्वल हो जाएगा 24 अपॉन फैक्टोरियल r, देन फैक्टोरियल r हो जाएगा 24 के। ठीक है, तो R की वैल्यू जो है इस क्वेश्चन में कितनी आएगी, 4 आएगी। आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड कॉलेज टेकन फॉर टुगेदर। वर्ड है कॉलेज, देखते हैं इसमें 2L है, 2E है और COZ टेकन फॉर टूगेदर, टेकन फॉर टूगेदर और फाइंड करना है कॉम्बिनेशंस। देन केस फर्स्ट, केस फर्स्ट आपके सामने होगा सभी के सभी क्या है, सिंगल है। ये 2L है, 2E है, C1 है, O1 है एंड G1, तो सभी के सभी सिंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा। एज ए एग्जाम्पल LECO या ECOZ सो ऑन,
इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं केस वन के लिए। तो वन वन लेटर जब हम लेते हैं तो फाइव लेटर हमारे पास बनते हैं, एक एक लेटर जब हम सिंगल लेते हैं तो एक तो आपके सामने आ जाएगा, एक तो आपके सामने आ जाएगा एल, एक आ जाएगा ई, एक आ जाएगा सी, एक आ जाएगा ओ, एक आ जाएगा जी। तो फाइव लेटर्स में से आपको फोर लेटर सेलेक्ट करने हैं, देन आंसर विल बी 5C4। ओके, इन केस सेकंड, एक आप डबल ले लीजिए, वन डबल एंड टू डिफरेंट, टू तो सेम हो जाएंगे और टू क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। टू सेम लेटर एंड टू डिफरेंट लेटर, ओके। एग्जाम्पल है एल एल सी ओ, या एग्जाम्पल इसका आप ले सकते हो, यहां पर मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताता हूं। जैसे मान लो एल एल सी ओ हो सकता है, या ई ई एल जी हो सकता है, ओके। तो हमारे पास जो सेम लेटर्स का पेयर है वे टू पेयर है, तो टू में से हम कोई एक सेलेक्ट करेंगे, तो इससे हम टू में से कोई एक पेयर सेलेक्ट करेंगे, जिससे दो जो प्लेस है वो तो बुक हो जाएंगे ऑलरेडी, एंड रिमेनिंग स्पेस बचेंगे टू। इनके लिए हमारे पास देखो कितना बचेगा, सपोज टू में से एक आ गया तो रिमेनिंग बचेगा ई सी ओ जी, ओके। इफ एल आ जाता है तो ई सी ओ जी, फोर लेटर बचते हैं, और फोर में से हम कोई भी टू लेटर्स जो है सेलेक्ट करेंगे जो डिफरेंट होंगे, तो 2C1 × 4C1, ये हमारे पास केस सेकंड आ जाएगा। केस थर्ड, केस थर्ड में हमारे पास क्या आ जाएगा, केस थर्ड में आ जाएगा हम जो टू सेम लेटर जो है हम चूज करेंगे, देन टू सेम एंड टू सेम लेटर लेटर। एग्जाम्पल है एल एल एंड ई एंड ई, बट यहाँ पर ओनली कॉम्बिनेशन फाइंड करना आप लोगों को, इसलिए इसको हम सोल्व नहीं करेंगे, वरना इसको यदि परमुटेशन फाइंड करना पड़ता है या टोटल अरेंजमेंट, देन इसको फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करते, इसको फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते, और इसको फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर जो है हमारे पास टू पेयर है जिनमें दो दो लेटर जो है सेम है, और दोनों के दोनों को लेटर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो इसका जो एग्जांपल हमारे सामने आ जाएगा एल एल ई ई, एक ही एग्जांपल जो है इसका हम लेंगे, और जो है टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 2C2। अब देखो 5C4 को जब हम सोल्व करते हैं तो इसका आंसर 5 आ जाएगा आपके सामने, 5C4 5 आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 × 4 × 3 अपॉन 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल, 4 × 3 = 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1। इन सब का जब मैं प्लस करूंगा 5 + 12 + 1, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा, आंसर हमारे पास आएगा इसका 5 + 12 + 1 = 18 जो है, इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। इन सब को मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा 5 + 12 + 1, देन 18 जो है इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड ओरिएंटल सो दैट ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो वर्ड ओरिएंटल, ओ आर आई ई एन टी ए एल, ओके, ए एंड ई ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। तो टोटल अवेलेबल प्लेस कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेसेस हैं, और ऑड प्लेसेस कौन से, ये फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवन्थ, ये ऑड प्लेसेस हैं, और बाकी इसके अलावा क्या है, इवन प्लेसेस हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा अवेलेबल प्लेस 1, 2, 3, 4, फोर ऑड प्लेसेस हैं, ओके। और ऑड प्लेसेस के लिए अवेलेबल है ए एंड ई, ए एंड ई अवेलेबल है। तो फोर डिफरेंट प्लेसेस पे टू डिफरेंट लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं 4P2 से, 4P2, ये है फोर डिफरेंट प्लेसेस है, ऑड प्लेसेस है, उन पर हमको ए और ई को एडजस्ट करना है, तो टोटल अरेंजमेंट हो जाएंगे 4P2, ओके। अब देखो ए और ई को एडजस्ट करने के बाद रिमेनिंग लेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके,
इनके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा फैक्टोरियल 6 से, और सभी के सभी जो लेटर्स हैं वो डिफरेंट है, कोई भी रिपीट लेटर नहीं है, कोई भी लेटर जो है वो दो या तीन बार नहीं आया, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा 4p2 इंटू फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपके सामने होती है 4 × 3 × 720। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 720, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, 8640, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने गिवन है 1000 C98 इक्वल है 999 C97 प्लस एक्स। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी 999, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं एक्सप्लेन आपके सामने कर देता हूं, एक फॉर्मूला और आप देखिए, वी नो दैट एन सी आर विल बी इक्वल टू द एन सी एन माइनस आर, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम इस क्वेश्चन में यूज मिलेंगे। तो देखो 1000 C98 को मैं लिख सकता हूं 1000 C1000 - 98, बिकॉज यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 98 आपको दे रखा है, इधर 97 दे रखा है, और इधर दे रखा है 901, ये अलग अलग वैल्यू दे रखी है। और इसमें फॉर्मूला कौन सा फॉलो करेंगे हम, देखिए फॉर्मूला इसमें कौन सा फॉलो करेंगे, एक फॉर्मूला आता है एन प्लस एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन विल बी इक्वल टू द एन प्लस वन सी आर, इस फॉर्मूले के बारे में मैं बता चुका हूं और आपको ये याद भी होना चाहिए, ठीक है। तो जो वैल्यू है n में n प्लस 1 हो जाएगा, तो इधर 999 है, इधर 999 है, इसमें n 1 प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1000, और ये जो दोनों वैल्यू इनमें डिफरेंस 1 का होना चाहिए, ये 97 है, तो इधर 98 होगा, क्या होगा 98, तो सामने जो है हमारे पास 98 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपके सामने आ गया, आई थिंक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यह आ जाएगा आपके सामने 1000 और 100 में से 98 को जब मैं माइनस करता हूँ तो मेरे सामने कितनी वैल्यू आती है, ओके 902, ये 902 आ जाएगा, ओके ये फर्स्ट वैल्यू हुई। अब सेकंड वैल्यू को ले लेते हैं, 999 C97 विल बी इक्वल टू द 999 C999 - 97, और इसको मैं लिख सकता हूँ 999 C902, ओके यस या नो। तो इस तरह से हमारे सामने वैल्यू आ गई, हम ये दो वैल्यू, ये दो वैल्यू, ये फर्स्ट वैल्यू इसकी जगह रख देते हैं, ये सेकंड वैल्यू इसकी जगह रख देते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, हमारा जो क्वेश्चन बन जाएगा वो बन जाएगा, देखिए आप इधर जो है फर्स्ट वैल्यू रख देता हूँ 1000 C902 विल बी इक्वल टू द 999 C902 प्लस एक्स सी थर्ड वैल्यू है 901, ओके ये हमारे इस क्वेश्चन का न्यू फॉर्म हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहां पर जब मैं इस फॉर्मूले को फॉलो करता हूं, इस फॉर्मूले को मैं फॉलो करता हूं एनसीआर एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस वन, तो यहां पर जो है आ जाएगा एन प्लस वन, तो ये 1000 जब आएगा, जब इधर भी 999 हो और इधर भी कितना हो 999 हो, ठीक है, ये दोनों सेम होने चाहिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और यहां पर देखिए आप 901 902, तो इसमें जो ज्यादा वैल्यू होती है, एक ज्यादा वैल्यू जो होती है वो राइट हैंड साइड में आ जाती है, तो R और R माइनस वन में R ज्यादा है, और जब 901 और 902 में 902 एक ज्यादा है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास 902 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स की, इस फॉर्मूले का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी 999, और ये हमने शुरू में ही पहचान ली थी, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, और ये एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इस क्वेश्चन में बता दिया, तो आई थिंक आपको कंसेप्ट पूरे अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और फॉर्मूला भी आपका रिवाइज हो गया होगा, आप समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन ए मिलियन
कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स. 1 मिलियन किसके इक्वल होता है, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए. 1 मिलियन, 10 लाख के इक्वल होता है. 10 लाख, 1, 2, 3, 4, 5, ये 1 मिलियन जो है वो 10 लाख के इक्वल होता है. ये हमको पहले पता होना चाहिए. ओके, तो डिजिट देखते हैं. 1 मिलियन में कितनी होनी चाहिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 डिजिट हमें चाहिए और 7 ही डिजिट्स जो हैं हमारे पास है. ठीक है, अब हम सिलेक्ट करते हैं कि सबसे पहले आप देखें कि आपके पास कौन कौन सी डिजिट है. 0 है तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए. मैं आपको बता देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो आप देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहां पर जब हम 0 को सेट करते हैं तो ये 1 मिलियन नहीं होगा. जब हम इसको 0 पर सेट करते हैं तो यहां में से हम कोई भी डिजिट हम ले लेंगे, कोई भी डिजिट हम ले लेंगे तो वो जो वैल्यू है, वो जो नंबर है, वो 1 मिलियन से क्या होगा? कम होगा. बिकॉज लेस देन 1 मिलियन, क्योंकि यहां पर जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 डिजिट्स को 7 प्लेसेस पे हम सेट करेंगे और हमने यदि फर्स्ट प्लेस पे 0 को यदि सेट कर दिया तो ये जो वैल्यू है ये 1 मिलियन नहीं होगी. 1 मिलियन से क्या होगी? कम होगी. इसलिए यहां पर हम 0 को सेट नहीं कर सकते हैं. तो इसका मतलब यहां पर हम किस किस को सेट कर सकते हैं देखें. सबसे पहले हम इस पर सेट कर सकते हैं 3 को. किसको सेट कर सकते हैं? 3. ओके, फिर हम इस पर किसको सेट कर सकते हैं? 4 को. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हम यहाँ पर 4 को सेट कर सकते हैं, बाकी कहीं भी अरेंज हो कोई बात नहीं है. ठीक है, और फिर हम कर सकते हैं 5 को भी सेट कर सकते हैं. 5 को भी सेट कर सकते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हम फर्स्ट प्लेस पे 5 को भी सेट कर सकते हैं. तो इस तरह से हम यहाँ पर 0 को सेट नहीं कर सकते. रीजन मैंने बता दिया, बिकॉज ये अब 7 डिजिट की जो है नंबर नहीं रहेगा, 6 डिजिट का नंबर रहेगा. सो दिस नंबर इज लेस देन 1 मिलियन. ठीक है, अगर हम यहाँ पर 3 सेट करते हैं देन ये ग्रेटर देन 1 मिलियन. 4 सेट करने के बाद भी ग्रेटर देन 1 मिलियन और 5 सेट करने के बाद भी ग्रेटर देन 1 मिलियन. ठीक है, अब देखते हैं यहां पर जब हमने इसको 3 को यहां पर सेट कर लिया तो हमारे पास अवेलेबल प्लेसेस है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अवेलेबल नंबर है 540554. ठीक है, यहां पर कौन कौन से नंबर हमारे पास है, कौन कौन से हमको इसमें सेट करने हैं? 545045, ये हमको सेट करने हैं. जब हम 4 को सेट कर लेते हैं तो एक 4 ऑलरेडी सेट हो चुका है तो बचता है 550453. और जब हम इधर 5 को सेट कर लेते हैं तो एक 5 ऑलरेडी सेट हो चुका है, बाकी बचता है इधर 4 बचेगा. ये 5 हमने यहां पर सेट कर दिया तो 5 बचेगा, 0 बचेगा, 0453. ओके, और इनसे बनने वाले टोटल नंबर हमको फाइंड करने हैं. तो इससे बनने वाले टोटल नंबर देखो कितने हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल 6 अपॉन 3, 5 है तो फैक्टोरियल 3 आ जाएगा और 2, 4 है तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा. बिकॉज यहाँ पर जो है सेम वैल्यू जो है वो रिपीट हो रही है, 4 और 4 रिपीट हो रहा है और 5 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. ठीक है, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन 3, 5 है फैक्टोरियल 3 और 4 रिपीट नहीं, क्योंकि एक 4 हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है तो 4 ओनली 1 ही बचा. और इसके लिए फैक्टोरियल 6 ऊपर आ ही जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फैक्टोरियल 5 के लिए 2 आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा बिकॉज 5 के लिए फैक्टोरियल 2 आएगा बिकॉज हमारे पास 2, 5 बचते हैं इधर, 2, 5 सेम है और 2, 4 सेम है तो यहाँ पर फैक्टोरियल 2 से अगेन डिवाइड कर देंगे. ये फैक्टोरियल 5 के लिए, फैक्टोरियल 4 के लिए, सॉरी ये 5 के लिए फैक्टोरियल 2 है, ये 4 के लिए फैक्टोरियल 2 है. तो ये जो है हमारे पास टोटल जो है नंबर्स आ जाएंगे, इन सब की वैल्यू निकाल के हम इसको क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे. अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है. यहाँ पर देखिए, फर्स्ट वैल्यू को जब मैं सॉल्व करता हूँ, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2 से इसको मैंने डिवाइड किया तो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल,
टू जा फोर, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास कितना आता है, देखिए ये हमारे पास आता है 60, फर्स्ट वैल्यू 60 आती है। सेकंड वैल्यू देखें, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 को जब सॉल्व करते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, तो ये हमारे पास आ जाता है 120। और अगेन फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 को जब मैं सॉल्व करता हूँ तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल, 2 जा 4, तो ये हमारे पास आ जाता है 180। ठीक है, और इन सब को जब हम प्लस करते हैं, इन सब को जब हम प्लस करते हैं, 60 प्लस 120 प्लस 180, देन आंसर हमारे पास आ जाता है 360। तो 360 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो ये मैंने अच्छे से आपको कंसेप्ट समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 7, ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स एंड 10 मैन अप्लाइज, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन टेक प्लेसेस। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, 10 मैन अप्लाई करते हैं और उससे रिक्वायर है 3 हेल्पर्स की, देन आंसर विल बी बिल्कुल सिंपल है 10C3। टोटल हेल्पर जो है 10 है और 3 मैन अप्लाई करते हैं, तो 10C3 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10 × 9 × 8 अपॉन 3 × 2 × 1, 3 × 3 = 9, 2 × 4 = 8, 120 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर, आपके सामने आ जाएगा 120। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 18, दीज आर 3 ब्लू बॉल्स, 4 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन ए रो। ओके, देन वी हैव 3 ब्लू बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स एंड 5 ग्रीन बॉल्स, तो टोटल बॉल्स कितने होंगे, 3 + 4 + 5, 12 बॉल्स, टोटल अरेंजमेंट इन ए रो, फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, बिकॉज 3 बॉल सेम है, 4 रेड बॉल सेम है एंड 5 ग्रीन बॉल सेम है, तो उनके फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखें, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 12 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन 3 × 2 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 हमने सोल्व नहीं किया है और फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 3 = 12, 3 × 2 = 6, 2 × 4 = 8, देन हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचती है 11 × 10 × 9 × 4 × 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा 27,720, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ओके, अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 19, आपको गिवन है सी एन आर का रेशियो दे रखा है, सी एन आर प्लस 1 विल बी इक्वल टू द 1:2, इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन सी आर अपॉन एन सी आर प्लस 1, इसका रेशो आपको गिवन है 1/2। ओके, एंड एन सी आर प्लस 1 अपॉन एन सी आर प्लस 2, एन सी आर प्लस 1 एन सी आर प्लस 2, इसका रेशो आपको दे रखा है 2:3। ये दो इक्वेशन आपको दे रखी है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे इजी मेथड इसका है, आप ऑप्शन से वैल्यू रख के देख लीजिए। देखिए हम ऑप्शन से वैल्यू रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन को हम चेक करते हैं, एन की वैल्यू 14, आर की वैल्यू 4, देन 14C4 अपॉन एन की वैल्यू 14 है, 14C
आर की वैल्यू 4 लेते हैं तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5। इसकी वैल्यू यदि 1/2 आती है तो हम सेकंड इक्वेशन में भी इसको चेक करते करेंगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, अब देखिए हम किस किस को कैंसिल कर सकते हैं। 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 1, ये 4 वैल्यू इस 4 वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी और 4321 से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो वैल्यू बचती है ये बचती है ये 5 जो है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/10। ओके, 5 जो है ये ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे आ जाएगा, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और 5/10 को हम लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 ही हमें चाहिए था। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो सकता है। अब हम सेकंड वैल्यू में भी इसको चेक करते हैं, सेकंड वैल्यू में भी इसको हम चेक करते हैं। अगेन देखें, एन की वैल्यू 14 है, देन 14 सी आर प्लस 1, इसका मतलब 5 हो जाएगा बिकॉज आर की वैल्यू हम 4 ले रहे हैं, अपॉन 14 सी आर प्लस 2, देन 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने देखो वैल्यू कितनी आती है, 14 इंटू 13 इंटू 12 11 इंटू 10 अपॉन 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, इसके नीचे ये आ जाएगा 14 इंटू 13 12 11 10 एंड 9 अपॉन 6 5 4 3 2 1। कैंसिल देखो कौन कौन से होते हैं, ये 4 वैल्यू से 4 वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगेन 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 उसी की तरह हम सॉल्व करते हैं, 6 ऊपर चला जाएगा, 9 डेनोमिनेटर में आ जाएगा, 6 नोमिनेटर में 6 अपॉन 9 और 3 2 जा 6 3 3 जा 9 2 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 ही हमें चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा जिसको हमने इजीली फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्वेश्चन नंबर 20, 6 सीट्स ऑफ आर्टिकल क्लर्क आर वैकेंट इन ए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म, हाउ मेनी डिफरेंट बैचेस ऑफ कैंडिडेट्स कैन बी चूजन आउट ऑफ 10 कैंडिडेट्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 10 कैंडिडेट में से हमको 6 सीट के लिए कैंडिडेट्स चूज करनी, देन आंसर विल बी 10C6, देन 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, देन आंसर इज 6 5 से 6 5 कैंसिल, 4 2 8 3 3 9, देन आंसर विल बी 60 इंटू 10, 420 जो है इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर आपके सामने होगा। एक 1 मिनट चेक करते हैं। देखें अगेन 6 5 से 6 5 कैंसिल, 4 2 8 तो 8 कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, देन इसका आंसर आपके सामने आ जाएगा 210। ओके, देखो आप 6 5 से 6 5 कैंसिल, 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9 और वैल्यू आपके सामने बचती है 10 इंटू 3 इंटू 7, देन 210। आपके इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो आई थिंक आपको ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं बनाऊंगा। आप सभी वीडियो को शेयर करें, लगातार वीडियो को देखते रहें। सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट।